तो हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के इस सेशन में गाइस हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स, और जो आज का हमारा ये वीडियो रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया और मालदीव के रिलेशंस के बारे में। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आज का सेशन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मालदीव को। अगर हम बात करते हैं इंडिया और मालदीव की, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आ जाती है कि मालदीव हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ वेस्ट एशिया के अंदर। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिकली इसकी, अगर आप लोकेशन देखें तो जो इसकी लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि किस तरीके से मालदीव के साथ हमारे रिलेशन बने। साथ ही साथ हम यहां पर बात करेंगे बहुत ही फेमस ऑपरेशन की जो कि इंडियन आर्मी ने, हमारे पैरा ट्रूपर्स ने मालदीव्स के अंदर जाकर के किया था, वहां के जो राष्ट्रपति थे उनकी जान बचाई थी, ऑपरेशन कैक्टस, उसकी यहां पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आज की डेट में मालदीव्स के अंदर चाइना अपनी जो है इंपॉर्टेंस, अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, उसको देखेंगे। और अभी यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रिसेंटली यहां पर इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर यहां पर किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मालदीव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इन्फॉर्मेशन यहां पर यह है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए कॉम्बो प्लान्स, और इन कॉम्बो प्लान्स पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर 25% तक का डिस्काउंट। जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। बाकी फिलहाल अनअकैडमी आप लोगों के लिए लिमिटेड पीरियड ऑफर लेकर के आया है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर की यहां पर अगर हम बात करें तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहां पर और अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है। तो फिलहाल एक साल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर पे करने पड़ेंगे 49,680 रुपीज फॉर दिस प्लान। तो प्लीज जाएं जाकर सब्सक्राइब करें, एनरोल करें, फायदा उठाएं। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें, अगर आप फिलहाल सब्सक्राइब करते हैं तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो मेंस तक के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी प्रॉमिस आपके लिए है, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, नोट्स फ्री मिलेंगे और लोन की फैसिलिटी भी यहां पर अवेलेबल है अलॉन्ग विद द कॉम्बो प्लान। यहां पर अगर हम बात करें अनअकैडमी प्रॉमिस की, तो सपोज अगर आपने फिलहाल जाकर के 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया और इन केस अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद आपका यूपीएससी किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाता है, तो यहां पर अनअकैडमी क्या करेगा, आपके सब्सक्रिप्शन प्लान को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए है, 14 जुलाई तक के लिए वैलिड है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज की यहां पर अगर हम बात करें तो 80 टेस्ट इसके अंदर इन टोटल है, 50 प्रीलिम्स के हैं, 30 मेंस के हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी प्रिपरेशन के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिल सकती है अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, यानी कि अगर आप फिलहाल जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो जो आपका प्रिपरेशन, जो आपका प्लान होगा उसको मेंस 2022 तक के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 20 बुक्स जो आपका 100% सिलेबस कवरेज कराती हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। साथ ही साथ 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन की फैसिलिटी भी है। बाकी यहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट आज हुआ ही था, आई होप आप लोगों ने उसके अंदर एनरोल किया होगा, पार्टिसिपेट करा होगा। साथ ही साथ यहां पर 14 जुलाई से कुछ नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें 2021 एस्पिरेंट्स के लिए रिवीजन बैचेस हैं, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों का रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी आपको। साथ ही साथ 1 ईयर के बैचेस हैं यहां पर, जिसमें आपका कंप्लीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, और 2 ईयर के बैचेस हैं 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। तो प्लीज जाएं इन बैचेस के अंदर, अपने आपको एनरोल करें, ज्वाइन करें। और साथ ही साथ यहां पर आइकॉनिक और प्लस 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान है। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, इसलिए फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है, बट जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज जाएं जाकर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें अनअकैडमी के साथ, और यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज का जो ये हमारा सेशन है इसमें हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंडिया मालदीव रिलेशन को, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले मैप पे आ जाते हैं, या मैप को भी डिस्कस करने से पहले आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन यहां पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मालदीव। क्या है हमारे पास ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है यहां पर। पहला है कि मालदीव इज अ सेक्युलर कंट्री बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो मालदीव है वो इंडिया की तरह ही एक सेक्युलर कंट्री है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि मालदीव इज अ मेंबर ऑफ सार्क।
तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये हो जाता है कि मालदीव्स गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1950। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके लिए यहां पर हो जाता है, इंडिया एंड मालदीव्स कंडक्ट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज मित्र शक्ति। ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इस सेशन में लास्ट में आपको इसका आंसर पूरा का पूरा यहां पर मिल जाएगा। तो खैर चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें मालदीव्स की, तो आपको यहां पर मालदीव्स की लोकेशन को देखना होगा। अगर आप यहां पर इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको ठीक साउथ वेस्ट, भाई यहां पर अगर आप इस तरीके से एक ये बनाए तो हम यहां पर क्या देखते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ये एक मैंने, ये वैसे लाइन तिरछी हो गई है बट इस तरीके से आपको मैं रफली बता रहा हूं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो मालदीव है बेसिकली वो हमारे साउथ वेस्ट में पड़ जाता है ना। किधर पड़ रहा है, साउथ वेस्ट के अंदर हमें यहां पर देखने को मालदीव मिल रहा है। तो जब आप यहां पर मालदीव को देखते हैं, मालदीव की लोकेशन को देखते हैं, तो मालदीव इंडिया के साउथ वेस्ट में पड़ रहा है। और जो मालदीव है बेसिकली अगर आप पास आ जाएं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ये छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स आपको यहां पर देखने को मालदीव के अंदर मिलते हैं। वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको मिला करके एक कंट्री बनाई गई है जिसका नाम है मालदीव्स। और इस मालदीव्स की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, माले। और इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, एक आर्किपेलागो इसको बेसिकली बोला जाता है। आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है कि वो कंट्री या वो आइलैंड ग्रुप्स जिसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला करके बनाया गया हो। तो आर्किपेलागो हमें यहां पर यह देखने को मिलता है। जब हम यहां पर बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव्स को अगर आप समझने की कोशिश करें तो मालदीव्स का जो टोटल एरिया है पूरा का पूरा ये मालदीव्स के पास, वो अप्रोक्सीमेटली 300 स्क्वायर किलोमीटर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली 300 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। साथ ही साथ यहां पर इस कंट्री की अगर हम बात करें तो ये लीस्ट पॉपुलस कंट्री है। किधर, ये लीस्ट पॉपुलस कंट्री है एशिया की। और साथ ही साथ लीस्ट पॉपुलस कंट्री एशिया के होने के अलावा यहां पर अगर आप देखें तो एरिया वाइज भी ये सबसे ज्यादा छोटी है। तो ये सब चीजें मालदीव की कुछ खास बातें हैं। मालदीव की पॉपुलेशन को अगर देखें हम तो 5-5.5 लाख के आसपास की इनकी पॉपुलेशन है। तो ये है कुछ मालदीव के बारे में। खास तौर पर जब हम बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव क्या है, बेसिकली आइलैंड का ग्रुप है। और ये जो आइलैंड है ये बेसिकली क्या है, अटॉल्स है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 1200 जो है यहां पर आपको छोटे बड़े मिलाकर के 1200 आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। और इन आइलैंड्स को अटॉल बोला जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर मैप में दिखाने की कोशिश करूं, तो हेयर यू कैन सी, ये आप यहां पर देख पाएंगे मालदीव के मैप में कि आपको किस तरीके से ये अटॉल्स देखने को मिल रहे हैं। अटॉल माने कि यहां पर छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स। तो आप यहां पर इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये बहुत अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब जब बात करते हैं माले अटॉल की, तो माले अटॉल के अंदर ही एक आइलैंड है जिसका नाम है माले, जहां पर इनकी कैपिटल है। तो माले की जब हम यहां पर बात करते हैं, तो माले का जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो 6 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का ही है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि कितना छोटा माले है। और ये पूरे के पूरे जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली कनेक्टेड कैसे हैं, ये कनेक्टेड है बोट्स के थ्रू, एक दूसरे से बोट्स के थ्रू आना जाना यहां पर होता है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो हमने ये शब्द पढ़ा अटॉल, या ये जो बहुत सारे हमें ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि माले अटॉल हो गया, इसके अलावा फाड़ीफोल्लू अटॉल हो गया और गाइडू अटॉल हो गया, तो ये अटॉल है क्या, कैसे बनता है ये, पहले ज्योग्राफिकली वो भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करें, तो आप सब लोगों ने ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ी होगी कि जिस तरीके की टॉपोग्राफी, जिस तरीके के फीचर्स हमें लैंड पर देखने को मिलते हैं, उसी तरीके के फीचर्स हमें ओशनिक क्रस्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ओशनिक क्रस्ट के ऊपर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है ये वजह, क्या है ये बात, देखिए क्या है, जब हम लैंड की बात करते हैं तो आपको अलग अलग जगहों पर क्या देखने को मिलते हैं, वल्केनोज देखने को मिलते हैं। हम जब अपने डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो कहा जाता है कि डेक्कन प्लेटू वल्केनिक इरप्शन से ही बना है, ठीक है। और जब आप बात करते हैं मालदीव्स की, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें यह देखने को मिला कि बिलो द सी, सी के नीचे, ओशन के नीचे, ओशनिक क्रस्ट पर यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक वल्केनो देखने को मिलते हैं। वल्केनोस क्या हुए, धीरे धीरे करके इरप्ट हुए, और जैसे जैसे कई मिलियंस ईयर्स इसमें लगे, कई करोड़ों, कई हजार करोड़ साल यहां पर लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स यहां पर लगे,
और हम यहां पर क्या देखते हैं कि इस तरह के से धीरे धीरे करके ये पहाड़ की तरह से बाहर निकल करके आ गए पानी में। ठीक है, देखते ही देखते क्या हुआ, जब वल्केनो यहां पर शांत हो गया तो इसके आसपास जो है, इस पहाड़ के आसपास कोरल रीफ्स हमें जमती हुई देखने को मिली, मूंगे की चट्टाने हमें यहां पर बनती हुई देखने को मिले। तो जैसे जैसे करके ये कोरल रीफ बनते चले गए, वैसे वैसे क्या हुआ, जो ये धीरे धीरे करके आइलैंड जो है ये सिंक करता चला गया और मिलियंस ऑफ इयर्स लग करके यहां पर ये इस तरीके से कोरल रीफ्स इकट्ठे होते चले गए और जो ये आइलैंड है जो कि वल्केनिक इरप्शन के टाइम पर निकला था, ये सिंक कर गया, सबसिडेंस हो गया, ये हमें यहां पर देखने को मिला। और इस तरीके से एट लास्ट हम यहां पर क्या देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके के जो कोरल रीफ्स हैं सर्कुलर फॉर्म में वो रह गए, जिनको अटॉल बोला जाता है। और जो बीच का एरिया है, दिस बीच का रीजन, यहां पर आपको लगून्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन जो है मालदीव्स के अंदर हमें देखने को यहां पर मिलती है। तो अब आप यहां पर हिसाब लगा सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि भाई ये क्या है, ये इस तरीके से छोटे छोटे अटॉल्स हैं। ठीक है ना, तो ज्योग्राफिकली मैंने आपको समझा दिया कि मालदीव्स कैसे बना। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग किस चीज की, अब बात करते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस की, समझते हैं उसको। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं इंडिया और मालदीव्स की, तो इंडिया और मालदीव्स जो है बेसिकली वो एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस और कमर्शियल लिंक्स जो है काफी लंबे समय से शेयर करते आ रहे हैं। जब आप यहां पर कल्चरल और रिलीजियस की बात करते हैं तो आप यहां पर देखते हैं इस्लाम को, 12th century AD में जब इंडिया में इस्लाम आया तो उसी के आसपास हमें मालदीव्स के अंदर भी इस्लाम आता हुआ देखने को मिला, और उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं हमें मालदीव्स के अंदर इस्लामिक धर्म जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। कहीं ना कहीं माना जाता है कि चोलास के टाइम पर भी, पहले इंपीरियल चोलास के टाइम पर भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में कनेक्शन हुआ करता था। बट जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, तो मालदीव्स को जो इंडिपेंडेंस मिला वो मिला 1965 के अंदर। 1965 तक मालदीव जो था वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था, जिसको 1965 में जाकर के इंडिपेंडेंस यहां पर मिला, और इंडिया वॉज द वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने मालदीव को ऐसा नेशन रिकॉग्नाइज करा और मालदीव के साथ हमने अपने रिलेशन बनाए। और 1972 के अंदर हमने क्या करा, मालदीव के अंदर अपना एक एम्बेसी, अपना एक मिशन भी खोल दिया। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिली, एक हाई कमीशन भी हमने यहां पर अपना मालदीव के अंदर खोल दिया, माले के अंदर। आगे चल करके जब हम यहां पर बात करते हैं तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि 1965 से लेकर के और 1988 तक कहीं ना कहीं हम यहां पर यह देखते हैं कि जो मालदीव्स है उसका झुकाव जो है बेसिकली वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होता है, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री मालदीव्स भी, फिर पाकिस्तान भी, तो कहीं ना कहीं इसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हमें होता हुआ देखने को मिलता है। बट जैसे कि आपको पता है कि जो मालदीव्स है उसकी जो बेसिकली लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन के एकदम सेंटर में वो पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया को और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। जो सी रूट है वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में, वेस्ट एशिया माने कि जो हमारा ये गल्फ ऑफ एडन हो गया, ठीक है, इधर की तरफ के जो हमारे बेसिकली ये रीजन्स है, गल्फ ऑफ एडन किधर, रेड सी के आसपास वाला एरिया, जिबूटी और येमेन के आसपास वाला एरिया। तो ये गल्फ ऑफ एडन को कहीं ना कहीं मलाका स्ट्रेट दैट इज ईस्ट, दोनों को कहीं ना कहीं एक जोड़ता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट के ऊपर हमें ये मालदीव्स देखने को मिलता है। अगर अभी मैं आपको आगे चलकर के इसकी लोकेशन भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, अभी सुन लीजिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं हम यहां पर क्या देखते हैं कि मालदीव जो है वो बेसिकली ऐसी जगह पर है, ऐसे रूट पर है, ट्रेडिंग रूट पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अगर हम बात करें मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस की, तो इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस थे वो बेसिकली 1988 के बाद ठीक ठाक ही रहे। जब हम यहां पर बात करते हैं 1988 के बाद जब हम बात करते हैं तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन ठीक ठाक रहे, बट उससे पहले पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था। तो 1988 से लेकर के 2008 दोनों देशों के बीच में रिलेशन ठीक ठाक रहे, बट उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब यहां पर पावर का चेंज हुआ और 2012-13 में हमें यहां पर प्रेसिडेंट वाहिद आते हुए देखने को मिले, और फिर प्रेसिडेंट वाहिद के बाद हमें प्रेसिडेंट यामीन आते हुए देखने को मिले, तो इन दोनों के समय में हम यहां पर क्या देखते हैं, इन दोनों के समय में कहीं ना कहीं इंडिया और मालदीव के रिलेशन खराब हुए। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि 2012 से लेकर के 2018 तक
इन 6-7 साल में इंडिया और मालदीव के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हुए, और जो मालदीव है वो बेसिकली किसकी तरफ झुका, वो चाइना की तरफ काफी ज्यादा झुका, और इस टाइम पीरियड में चाइना ने काफी ज्यादा उसका फायदा भी उठाया। और आज की डेट में भी कहीं ना कहीं ये चाइनीज फैक्टर ही है जो इंडिया को न्यूट्रलाइज करना है किधर, मालदीव्स के अंदर। तो जब हम यहां पर बात करते हैं, इसके अलावा इंडिया ने हमेशा ही क्या करा है, मालदीव्स की मदद करी है। अगर आप यहां पर इंडिया की बात करें, सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट मोमू अब्दुल गयूम की, तो प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम के टाइम पर ही हम बेसिकली क्या देखते हैं कि इनके अगेंस्ट मिलिट्री कू कह रहा हूं, हमें यहां पर इनके अगेंस्ट कू देखने को मिलता है, कू डिटैट हमें इनके समय पर देखने को मिलता है। और इंडिया क्या करता है, अब्दुल गयूम की मदद करता है ऑपरेशन कैक्टस करके। हम यहां पर क्या करते हैं, ऑपरेशन कैक्टस करते हैं, और यहां पर जो ये अब्दुल गयूम है इनकी सत्ता को बचाते हैं, इनको बचाते हैं। तो ये ऑपरेशन कैक्टस क्या था, इसके बारे में भी यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर जो मालदीव्स है उसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो कौन थे, वो थे बेसिकली अब्दुल गयूम। तो अब्दुल गयूम के टाइम पर हम यहां पर क्या देखते हैं, अब्दुल गयूम के टाइम पर जो है 3 बार मिलिट्री कू होता हुआ हमें देखने को मिला। पहले होता है ये 1980 में जो कि फेल हो जाता है, फिर दूसरा होता है 1983 में, ये भी फेल हो जाता है, बट जब बारी आती है 1988 की तो यहां पर कहीं ना कहीं लोग बाग सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो ये 1988 में मिलिट्री बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, इट इज नॉट मिलिट्री, इट इज कू डिटैट, मिलिट्री नहीं है ये, बार बार गलती से मेरे मुंह से निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो कू हमें यहां पर जो देखने को मिलता है 1988 में, ये कौन करता है, ये बेसिकली प्लान करा जाता है किसके द्वारा, इस प्लानिंग के अंदर शामिल होते हैं एक्स प्रेसिडेंट मालदीव्स के, और उन एक्स प्रेसिडेंट के साथ यहां पर एक बिजनेसमैन होते हैं, और वो बिजनेसमैन कौन होते हैं, वो बिजनेसमैन श्रीलंका के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये बिजनेसमैन बेसिकली क्या करते हैं, श्रीलंका के अंदर तमिल ग्रुप था एक, ठीक है, तमिल एलम्स का ग्रुप था, जिस तरीके से LTTE था उसी तरीके से ये एक और हमें तमिल एलम्स का ग्रुप देखने को मिलता है जिसका नाम था प्लॉट, प्लॉट माने की पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम। जो ये प्लॉट था, ये था तो बेसिकली तमिल ग्रुप ही, मतलब ये तमिलियंस के राइट की ही बात करता था, बट ये LTTE के अगेंस्ट था, समझे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन का नाम होता है अब्दुल्ला लतूफी। अब्दुल्ला लतूफी बेसिकली क्या करते हैं, इस तमिल एलम ग्रुप के साथ मिलकर के इनको एक ऑफर देते हैं, इन्हें कहते हैं कि भाई आपके लिए श्रीलंका में मुश्किल हो रहा है काम करना, बिकॉज LTTE यहां पर स्ट्रांग है, तो हम आपको क्या करेंगे, मालदीव्स के अंदर एक नेवल बेस दे देंगे, आप मालदीव्स के अंदर बैठ करके अपना काम करना, बट बदले में क्या है कि आप हमारी मदद करो ये अब्दुल गयूम को हटाने के लिए। अब ध्यान रखो कि 1988 में इस टाइम तक आते आते इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस ऑलरेडी कहां पहुंच गई थी, श्रीलंका पहुंच गई थी। 1987 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में अकॉर्ड साइन हो चुका था, जिसको मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट उस टाइम पर होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्लॉट के मेंबर्स लगभग 80-90 लोग जाते हैं बोट से, और जाकर के ये जो सिटी देखने को आपको मिल रही है ना, दिस इज माले, ये माले है यहां की कैपिटल सिटी, ये जाते हैं जाकर के कैपिटल सिटी के ऊपर अटैक कर देते हैं, और जो अब्दुल गयूम है वो तो निकलने में कामयाब हो जाते हैं, बट कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो इनके पकड़ में आ जाते हैं और इन सबको बंदी बना लिया जाता है। अब अब्दुल गयूम क्या करते हैं, SOS यानी कि सेव आवर सोल्स, SOS कॉल्स जो है यहां पर सब कंट्रीज को करते हैं, पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, UK से मदद मांगते हैं, बदले में जो है इधर अपना श्रीलंका से मदद मांगते हैं, हर किसी से मदद मांगते हैं। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि हर किसी की तरफ से मना कर दिया जाता है, USA कहता है भाई मैं तो बहुत दूर हूं, साथ ही साथ पाकिस्तान मना कर देता है, और UK से जब बात आती है तो UK कहते हैं आप इंडिया से मदद मांगो। इंडिया में गवर्नमेंट होती है राजीव गांधी की, तो हम यहां पर क्या करते हैं, देखते हैं कि राजीव गांधी के पास कॉल आता है और राजीव गांधी तैयार हो जाते हैं, और राजीव गांधी फटाफट से एक पार्लियामेंट्री पैनल की मीटिंग करते हैं, और यहां पर ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलती है। इस ऑपरेशन कैक्टस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने 1600 ट्रूप्स, जिसके अंदर लगभग हमारे 300-400 पैरा ट्रूपर्स भी होते हैं,
पैरा ट्रूपर्स आपको पता ही है कौन होते हैं, पैरा ट्रूपर्स वो होते हैं जिनको बेसिकली रेड कैप वाला बोला जाता है, जो रेड कैप पहन के रखते हैं। इनको क्या करा जाता है, पैरा ट्रूपर्स को ऊपर से प्लेन नीचे की तरफ उतारता है ना, इनको एक तरीके से बाय पैराशूट्स ये नीचे उतर करके आते हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, इसलिए इन्हें पैरा ट्रूपर भी बोला जाता है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि इंडिया शुरुआत करता है ऑपरेशन कैक्टस की, एंड विद इन 9 आवर्स इंडिया की फोर्सेस मालदीव्स के अंदर होती है। अब माले जो कैपिटल सिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका एरिया कितना है, सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर का ही है, 6 स्क्वायर किलोमीटर में ही ये पूरी की पूरी सिटी आपको देखने को मिलती है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर ये देखते हैं कि ये पीछे जो एक और आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मालदीव्स, इसका नाम क्या है, हुलफुले आइलैंड। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि हमारा प्लेन हुलफुले आइलैंड पर जाता है और जाकर के यहां पर हमारे पैरा ट्रूपर्स को उतारा जाता है। बिकॉज मेन चीज क्या आती है, अगर पैरा ट्रूपर्स को माले के ऊपर उतारा जाता तो भाई अब पैराशूट से वो आते, अब 6 किलोमीटर का ये सारा का सारा एरिया है, हवा भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता था हमारे पैरा ट्रूपर्स समुद्र में गिर जाते, डूब जाते। तो यहां पर क्या करा हमने, एयरपोर्ट पर जाकर के अपना प्लेन उतारा और यहां से 300 से 400 पैरा ट्रूपर्स हमारे बाय बोट आए, इधर से इंडियन नेवी आई। और हम यहां पर क्या देखते हैं, इंडियन नेवी का INS गोदावरी उस टाइम पर इसके अंदर था मिशन में। और हम यहां पर क्या देखते हैं कि देखते ही देखते ये पूरे के पूरे अब्दुल गयूम को भी हम सिक्योर कर लेते हैं और साथ ही साथ मालदीव्स को हम फ्री करा देते हैं। और क्या कर लिया जाता है कि जितने भी ये मर्सिनरीज होते हैं इन सबको पकड़ लिया जाता है, जो भी ये तमिल एलम के लोग होते हैं, अब्दुल लतूफी होते हैं, इन सबको यहां पर पकड़ लिया जाता है INS गोदावरी के द्वारा। तो इस तरीके से इंडिया क्या करता है, ऑपरेशन कैक्टस को सक्सेसफुल करता है, किधर, मालदीव्स के अंदर। अब आप लोगों के मन में माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए यहां पर कि इसका नाम ऑपरेशन कैक्टस ही क्यों रखा हमने, कुछ और नाम भी रख सकते थे, ऑपरेशन लोटस क्यों नहीं रखा। तो ऑपरेशन कैक्टस हमने नाम इसका इसलिए रखा बिकॉज ऑफ द कोरल आइलैंड्स। हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो मालदीव्स है वो क्या है, कोरल आइलैंड्स है एक तरीके से। तो कभी आप कोरल पत्थर को देखेंगे, मुंगे की चट्टान को देखेंगे तो आपको लगेगा वो कैक्टस जैसा चुभता है हाथों में, इसीलिए इसका नाम हमने ऑपरेशन कैक्टस यहां पर रखा और ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल रहा। एंड सिंस दैट डे 1988 से लेकर के और 2008 तक जो ये अब्दुल गयूम है यही वहां के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने इंडिया का काफी ज्यादा सपोर्ट करा और दोनों कंट्रीज ने यहां पर ट्रेड रिलेशंस भी अपने बेहतर करे। हालांकि हमारा और इनका आपस में जो है 1981 में ही एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था, बट उसके बाद भी आगे चल करके इंडिया और मालदीव्स के ट्रेडिंग रिलेशन बेहतर हुए। भाई अब्दुल गयूम की जान बचाई हमने, वरना अगर इंडिया ना होता तो अब्दुल गयूम के हाथ से सत्ता चली गई थी बुरी तरीके से। तो पहली मदद तो हमने इनकी 1988 में करी। उसके बाद जब हम यहां पर बात करते हैं 1988 के अलावा, हम दोनों कंट्रीज ने क्या करा, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू करी जिसका नाम है एक्वेरिन। तो हमने यहां पर ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू करी दोनों कंट्रीज ने। साथ ही साथ हम जब यहां पर बात करते हैं 2004 के आसपास की, तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि मालदीव्स के अंदर, माले के अंदर सुनामी आई। और उस टाइम पर जब हम यहां पर देखते हैं कि क्या देखते हैं हम, उस टाइम पर काफी ज्यादा वाटर क्राइसिस हुए। आगे चल करके भी हम देखते हैं कि इस तरह के वाटर क्राइसिस मालदीव्स के अंदर हमें देखने को मिले। तो इंडिया ने ऑपरेशन नीर और ऑपरेशन संजीवनी चलाया। जब यहां पर हमने, आग लग गई थी इनके कुछ जगहों पर स्वेज वाले एरिया में, वहां पर जाके ऑपरेशन नीर के अंदर हमने आग बुझाने में इनकी मदद करी। साथ ही साथ ऑपरेशन संजीवनी के अंदर हमने इनको पानी, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इंडिया ने इनकी शुरू से ही काफी ज्यादा मदद करी। आगे चल करके जब हम बात यहां पर करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2012 से लेकर के 2018 तक ये जो 6-7 साल रहे, जिसके अंदर यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अब्दुल यामीन, और साथ ही साथ जो है इनके टाइम पीरियड पर थोड़े से रिलेशंस हमारे खराब हुए। इन दोनों के टाइम पीरियड पर थोड़े से रिलेशंस हमारे खराब हुए बिकॉज इनका झुकाव जो था वो किसकी तरफ था, इन दोनों का झुकाव हुई, प्रेसिडेंट वाहिद का और प्रेसिडेंट यामीन का जो झुकाव था वो चाइना की तरफ ज्यादा था। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर ये देखते हैं कि भाई ये कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं रिलेशंस के तौर पर, ठीक है। अब एक चीज आपको यहां पर और समझनी पड़ेगी, एक चीज यहां पर यह है कि आज की डेट की जब हम बात करते हैं, तो आज की डेट में क्या हुआ कि 2018 में
2018 में यहां पर इलेक्शन हुए, कहां पर, मालदीव्स में, और 2018 में हमें यहां पर गवर्नमेंट बदलती हुई देखने को मिली, और 2018 में यहां के जो प्रधान, जो राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, वो कौन बने, वो बने मोहम्मद सोली। तो मोहम्मद सोली के बाद से ही कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस मालदीव्स के साथ ठीक हुए, और इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या करा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया ने यहां पर जो है बेसिकली अपना इनकी मदद करनी शुरू करी। तो ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, अब कैसे मदद करनी शुरू करी उसको अब आगे चल करके डिस्कस करेंगे एक एक करके। हाल फिलहाल की अगर हम यहां पर बात करें, रिसेंट इश्यूज को अगर हम देखें, तो अभी आप सबको पता है कि इंडिया ने कोविड के टाइम पर सार्क फंड बना करके इनकी मदद करी पैसों से भी, साथ ही साथ हमने इनको वैक्सीन्स भी प्रोवाइड कराई। इसके अलावा इंडिया ने टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करा पिछले एक डेढ़ साल के अंदर मालदीव्स के लिए। रीजन, क्योंकि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने देखा होगा इंडिया से काफी सारे कपल्स हनीमून वगैरह के लिए या वैसे घूमने के लिए मालदीव्स जाते हैं, इंडिया से काफी सारी शूटिंग्स, बॉलीवुड शूटिंग्स मालदीव्स के अंदर होती हैं, तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स में। तो इंडिया ने पिछले एक डेढ़ साल में मालदीव्स के लिए टूरिज्म को लेकर के भी काम करे, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा क्या करा। साथ ही साथ ऑपरेशन मिशन सागर के अंदर, मिशन सागर के अंदर हमने इन्हें क्रूशियल कमोडिटीज भी प्रोवाइड कराई इस दौरान, जब पूरी की पूरी सप्लाई चेन रुक गई थी। तो ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहां तक आपका किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से अपना डाउट पूछ लें। अब मालदीव की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे और चाइना फैक्टर को यहां पर समझेंगे। किसी का कोई भी डाउट यहां तक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लें। सब समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, अगर आपने अब तक लाइक नहीं करा। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो हम यहां पर अब आगे चल करके डिस्कशन करेंगे शुरू। कुछ कमेंट्स हैं यहां पर, उन कमेंट्स को देख लेते हैं। स्वाति का यहां पर कमेंट है, स्वाति कह रही है कि इंडियाज लक्षद्वीप इज ऑल्सो अटॉल आइलैंड, दैट्स व्हाई इट्स एनवायरमेंट मैटर कंसर्न और डेवलपमेंट प्लान प्रपोज बाय गवर्नमेंट। बिल्कुल स्वाति, अभी उसी के ऊपर आएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे आगे चल करके। शीला का यहां पर कमेंट है, शीला देवी कह रही है कि सर ये मालदीव्स आइलैंड है फिर हम इसको आइलैंड क्यों नहीं बोलते हैं। यहां पर देखिए मैंने अभी शुरुआत में ही इसको समझाया था शीला, आपने शायद से बाद में ज्वाइन करा होगा। मालदीव जो है वो काफी सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, काफी सारे आइलैंड्स को मिला करके कंट्री बना है जिसको मालदीव कहते हैं। इसीलिए मालदीव को आर्किपेलागो बोला जाता है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स। ओके, कोरल आइलैंड इज सिमिलर टू कोरल रीफ, जब बहुत सारे कोरल रीफ मिल जाते हैं तो तब उसको कोरल आइलैंड बनता है, उसे एक सर्कुलर फॉर्म में, वो भी मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, आप उसको देख सकते हैं, बैक करके आप देख लीजिएगा, मैंने शुरुआत में समझाई थी ये चीजें। कमेंट आया है गोविंद का, सर मिशन सागर में क्या था? देखिए मिशन सागर में बेसिकली ये था कि कोविड 19 के टाइम जब पूरी की पूरी सप्लाई चेन रुक गई वर्ल्ड की, तो असेंशियल कॉमोडिटीज जो थी इंडिया ने वो कुछ कंट्रीज को प्रोवाइड कराई मिशन सागर के अंदर, तो मालदीव उसमें से एक था। हमने मालदीव को जो भी एसेंशियल कॉमोडिटीज थी वो यहां पर इनको प्रोवाइड कराई, ठीक है। चलिए अब गाइस बात करते हैं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की मालदीव्स के। अगर आप मालदीव्स की इंपॉर्टेंस को समझें, हम यहां पर क्या देखते हैं कि मालदीव्स के अंदर जब आप पूरी की पूरी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो जो मालदीव्स की प्रॉक्सिमिटी है वो क्या है, वो बेसिकली इंडिया के साउथ वेस्ट पर पड़ जाता है। और ये साउथ वेस्ट पे पड़ने का नतीजा क्या है कि लगभग लगभग अगर आप यहां पर देखें तो जो हमारा लक्षद्वीप का मिनीकॉय आइलैंड है, तो ये मिनीकॉय से सिर्फ और सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स अवे है। एक नॉटिकल माइल में अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर होते हैं, तो ये कितना दूर है, ये बेसिकली 70 नॉटिकल माइल्स जो है यहां पर हमें दूर देखने को मिलता है मिनीकॉय से। और मालदीव्स के बीच में और लक्षद्वीप के बीच में जो वॉटर चैनल है उसको हम क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल यहां पर हम उसको बोलते हैं। मैं मैप में आपको एक बार दिखा देता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। शुरुआत में याद होगा आपको मैंने मैप से दिखाया भी था, बट वो मैप अब थोड़ा मिस हो गया, एक मिनट रुकिए मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो जब हम यहां पर बात करते हैं मालदीव्स और इंडिया की, हाँ तो ये देख सकते हैं आप यहां पर, दिस यहां पर जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये मिनीकॉय और मालदीव्स के बीच में यहां पर जो आपको ये देखने को मिल रहा है, दिस इज द 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हमारा हो जाता है। ये 8 डिग्री चैनल जो है वो बेसिकली क्या करता है, मिनीकॉय को किससे अलग करता है, ये बेसिकली मिनीकॉय को हमारे मालदीव से अलग करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की, क्या है आगे की बात उसको भी देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया से काफी ज्यादा पास हो गया, इंडिया के बहुत ज्यादा पास आपको देखने को मिला। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके अलावा अगर आप एक चीज और समझने की यहाँ पर कोशिश करें तो जो मालदीव्स है जियो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैसे है ये, जियो स्ट्रेटेजिकली अगर आप मालदीव्स की लोकेशन को समझें तो मालदीव्स इज अ टोल गेट इन द इंडियन ओशन। टोल गेट का मतलब क्या हुआ, आप कहीं एक कंट्री का एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं या अपनी सिटी में ही ट्रैवल करते हैं या जो मेजर ट्रैवल रूट्स होते हैं उसके ऊपर आपको टोल प्लाजा देखने को मिलते हैं ना, तो इसी तरीके से मालदीव्स क्या है, एक तरीके से टोल गेट है। टोल गेट कैसे है, ये बेसिकली जो मैरिटाइम ट्रेड फ्लो होता है गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ हॉर्मुज के बीच में, यानी कि वेस्ट एशिया के बीच में, उसको लेकर के और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ मलाका को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मालदीव्स की लोकेशन देखो आप, ये लोकेशन है मालदीव्स की, ठीक है। अब यहां पर है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इधर क्या है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है आपकी यहां पर, और इधर क्या है, ये है गल्फ ऑफ एडन, क्या है ये आपका आ जाता है गल्फ ऑफ एडन। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, अब देखिए इधर हो गया हमारा वेस्ट एशिया और इधर हो गया हमारा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि मालदीव्स कहीं ना कहीं ईस्ट एशिया को और वेस्ट एशिया को जोड़ने का काम करता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइना से जो भी मेजर ट्रेडिंग रूट्स है लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका से आते हैं। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये आते हैं और इस तरीके से यहां से होते हुए इंडियन ओशन से मालदीव्स के बीच में से निकलते हुए, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में से निकलते हुए कहां जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए पर्शियन गल्फ जाएंगे और फिर इधर की तरफ। और इसके अलावा अगर यहां से मलाका से होते हुए कहां निकलेंगे, मालदीव्स को क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ एडन निकलेंगे। तो इसीलिए मालदीव्स की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया को ईस्ट एशिया से जोड़ने में। साथ ही साथ जब हम यहां पर बात करते हैं तो इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में समझ आ रहा होगा, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के इस रीजन पर मेजर पोर्ट्स हैं हमारे, भाई चाहे मुंबई का पोर्ट हो गया या और भी काफी सारे पोर्ट्स इधर हैं। तो हमारा मान लीजिए हमें वेस्ट एशिया जाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से चलेंगे और मालदीव से होते हुए मलाका स्टेट से निकलते हुए हम वेस्ट एशिया पहुंचेंगे, साउथ ईस्ट एशिया पहुंचेंगे, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो इस तरीके से हमारे लिए मालदीव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड के लिए भी, खासतौर पर चाइना के लिए भी मालदीव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये जो आपको एरो देखने को मिल रहा है, दिस ब्लू एरो, ये जो जा रहा है ये मलाका से होता हुआ यहां साउथ चाइना सी को जो जोड़ रहा है, तो ये जो है ये बेसिकली चाइना का मेजर ट्रेडिंग रूट है। इस ट्रेडिंग रूट पे चाइना का सबसे ज्यादा व्यापार होता है और इस ट्रेडिंग रूट से ही चाइना का सबसे ज्यादा ऑयल एनर्जी इसी रूट से जाता है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मालदीव्स। अब देखिए क्या है, अब इंडिया यहां पर क्या कर रहा है, इंडिया इसीलिए मालदीव्स के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है और चाइना भी इसीलिए लगातार मालदीव्स के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो मालदीव्स की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहां पर समझा दी पूरी की पूरी कि कैसे ये वेस्ट एशिया को ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करता है। अब आगे चल करके यहां पर अगर आप देखें तो मालदीव्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड के अंदर, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई चाइना का लगभग 80% ट्रेड यहीं से होता है। अब इसके अलावा चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, 2011 के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 2011 के बाद जब यहां पर गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रेसिडेंट वाहिद और प्रेसिडेंट यामीन हमें जब यहां पर देखने को मिले मालदीव्स में, तो उन दोनों का रुझान, उन दोनों का जो झुकाव था वो बेसिकली चाइना की तरफ था। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोशिश नहीं करी इनके साथ बढ़िया रिलेशन बनाने की। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो जब प्रेसिडेंट यामीन इलेक्शन जीत करके आए 2013 में, हमें प्रेसिडेंट यामीन यहां पर इलेक्शन जीत के देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन जीतते हैं और मोदी जी ओथ यहां पर लेते हैं, राष्ट्र जब प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि मोदी जी ने सार्क कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया था, तो उसमें प्रेसिडेंट यामीन इंडिया भी आए। 2015 की जब हम बात करते हैं तब से थोड़ी दिक्कतें हुई, कैसे, 2015 में मोदी जी ने क्या करा, इंडियन ओशियन कंट्रीज का एक टूर लिया
जिसमें ये मॉरिशियस भी गए, जिसमें ये श्रीलंका भी गए, सेशेल्स भी गए, बट ये मालदीव्स नहीं गए। मालदीव्स ना जाने के पीछे का रीजन ये था कि प्रेसिडेंट यामीन ने क्या करना शुरू करा था, अपने पॉलिटिकल अपोजिशन को सप्रेस करना शुरू कर दिया था। बिना बात में अपने पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डालना, अपने विद्रोहियों को पकड़ना, ये सब शुरू कर दिया था। तो इंडिया जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के आइडियल्स को फॉलो करता है, तो इंडिया ने सिंबॉलिकली यहां पर मालदीव्स का उस टाइम पर बॉयकॉट करा। और 2011 से ही हम क्या देखते हैं कि 2011 से लेकर के 2018 के बीच, इन 6 से 7 साल के बीच में प्रेसिडेंट यामीन और प्रेसिडेंट वाहिद के समय में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा यहां पर बढ़ा। और 2018 में यहां पर इलेक्शन हुए, 2018 में जो इलेक्शन हुए यहां पर हमें मोहम्मद सोली राष्ट्रपति बनते हुए देखने को मिले, प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को मिले। और मोहम्मद सोली के बाद ही, इब्राहिम मोहम्मद सोली के बाद ही इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन आज के डेट में बहुत बेहतरीन है, और कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर हम काफी बेहतर काम कर रहे हैं। हालांकि चाइना अब भी हरकतें कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है वो अभी आपको बताऊंगा मैं आगे। तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाता है कि ये एरिया चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस आर्किपेलागो में चाइना क्या कर रहा है इस टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था श्रीलंका वाले टाइम पर जब हमने हम्बन टोटा के बारे में डिस्कशन करा था, दैट टाइम आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि चाइना क्या कर रहा है इंडिया के आसपास, बेसिकली एक स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बनाना चाहता है। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ये क्या करना चाहता है, ये बेसिकली म्यांमार से लेकर के श्रीलंका, दैट इज हम्बन टोटा, और माले, मालदीव्स के अंदर यहां पर एक आइलैंड है फेदू फिनोलू आइलैंड ग्रुप्स वो, और फिर ऊपर पाकिस्तान में ग्वादर और जिबूटी में एक और इनका पोर्ट। ये इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर क्या करना चाहता है, घेरना चाहता है, एनसर्कल करना चाहता है। और हम यहां पर क्या देखते हैं कि आज की डेट में चाइना ने एक पोर्ट जो है 50 साल के लिए, 50 ईयर्स के लिए मालदीव से ले लिया है, जिसका नाम है फेदू फिनोलू। अगर मैं आपको उसकी लोकेशन दिखाऊं फेदू फिनोलू की, तो आप यहां पर देख सकते हैं लोकेशन, हेयर यू कैन सी, यहां पर ये माले है, ये इनकी कैपिटल माले मालदीव्स की, और यहीं पास में ही एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है फेदू फिनोलू। इस फेदू फिनोलू को जो है बेसिकली 50 साल के लिए 2016 में क्या करा गया, 2016 में यहां पर ये बेसिकली किसको दे दिया गया, चाइना को दे दिया गया। तो फेदू फिनोलू यहां पर हमें देखने को मिलता है। इंडिया के कान कब खड़े हुए, इंडिया के पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई, और उस सैटेलाइट इमेजेस में देखो ये दिख रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, मिट्टी वगैरह डाल करके ये इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये साउथ चाइना सी में कर रहा है। तो यहां पर इंडिया के भी कान खड़े हो गए, इंडिया ने भी क्या करा, आज की डेट में रिसेंटली फरवरी के अंदर दोनों देश के बीच में एक डील हुई है, जिसमें इंडिया भी एक नेवल बेस तैयार कर रहा है, डेवलप कर रहा है मालदीव्स में, उसके ऊपर मैं अभी बाद में आऊंगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक क्या चैलेंजेस हैं मालदीव्स में। अब ये सब तो यहां पर हो गया, ये सब होने के बाद अगर हम बात करेंगे और कुछ चीजों की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दीज आर द 10 रीजंस व्हाई मालदीव्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। भाई एक तो आर्किपेलागो है, और कहीं ना कहीं इसकी लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सप्लाईज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ चाइना कहीं ना कहीं अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, यहां पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं साउथ एशिया के अंदर अगर इंडिया को अपना डोमिनेंस बना के रखना है तो कहीं ना कहीं मालदीव्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आज की डेट में चाइना काफी बड़े लेवल पर इकोनॉमिक प्रेजेंस मालदीव्स के अंदर कर रहा है, तो इंडिया नहीं चाहता कि श्रीलंका जैसा हाल मालदीव्स का भी हो जाए, इसीलिए 2018 से अंडर आर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम क्या देखते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिया बहुत बड़े लेवल पर टाइमली और फाइनेंशियली दोनों मदद इनकी कर रहा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने रिसेंटली क्या क्या मदद करी इनकी। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों देशों के लिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर कोऑपरेटिव मेजर्स की, क्या कोऑपरेटिव मेजर्स हैं जो दोनों देशों ने आज तक लिए, ठीक है, इंडिया ने किस तरीके से अपने अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी, अब उसको देखेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज अपना डाउट एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लें, डाउट नहीं है, चीजें समझ आ गई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि दैट एवरीथिंग इज क्लियर, ताकि विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन मूव फर्दर। कुछ कमेंट्स हैं यहां पर, उनको देख लेता हूं, बाकी अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। जो भी लोग ऑनलाइन हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें,
क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अमित का यहाँ पर कमेंट है, अमित कह रहे हैं हिस्टोरिकल पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका मालदीव आर पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू ब्रिटिश स्ट्रेटजी पॉलिसी फॉर फ्यूचर ही डिवाइडेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट मालदीव इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन ओशन डोमिनेंस। बिल्कुल जी, मालदीव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, बट राइट नाउ वी हैव अ गुड रिलेशन विद मालदीव एज इंडिया हैज ओपनली सपोर्टेड मालदीव प्रेसिडेंट इलेक्शन इन यूएनजीए। बिल्कुल स्वाति, अब उसी के ऊपर आएंगे, उसी को डिस्कस करूंगा मैं अब कि कैसे हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 के बाद से बहुत अच्छे रिलेशंस बने हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, अब उसी के ऊपर आएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए सबसे पहली बात क्या, 1995 की अगर आप यहां पर देखें तो हमने बेसिकली, अगर आप, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, हम अपने जो हमने मदद करी इनकी उनको चार पार्ट्स पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा हेल्थ का सेक्टर, तीसरा एजुकेशन का सेक्टर और चौथा डिफेंस का सेक्टर। इन चारों सेक्टर्स में हमने क्या करा है, हमने बेसिकली मालदीव्स की मदद करी है। अमित का यहां पर कमेंट है, मालदीव्स को इंडिया क्यों चल रहा है अभी। सॉरी अमित, मैं आपका कमेंट नहीं समझा, एक बार अपना कमेंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि मालदीव्स की हमने इकोनॉमिकली भी, हेल्थ के वाइज भी, एजुकेशन के वाइज भी और डिफेंस के वाइज भी, हर सेक्टर में हमने इनकी मदद करी है। कैसे, 1995 में भारत सरकार ने ग्रांट दिया और उस ग्रांट असिस्टेंस से यहां पर हम क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया गया मालदीव्स के अंदर 1995 में। आगे चल करके यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमने एजुकेशन के लिए मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसको यहां पर एस्टैब्लिश करा। आज की डेट में उसे मालदीव्स पॉलिटेक्निक बोला जाता है और इससे कहीं ना कहीं मालदीव्स के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ और काफी सारे मालदीव्स के सिटीजन ऐसे हैं जो इंडिया आते हैं और इंडिया आकर के पढ़ाई भी करते हैं, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि केरला आते हैं, कर्नाटका आते हैं, तमिलनाडु जाते हैं हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी, तो हेल्थ के पर्पज से भी और एजुकेशन के पर्पज से भी दोनों इंडिया आते हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इसके अलावा इंडिया ने काफी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी में और टूरिज्म की स्टडीज में मालदीव्स की हमने मदद करी। अगर आप यहां पर देखें तो बेसिकली दोनों देशों के बीच में एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट करा गया। कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बताएं कि एजुकेशन को प्रमोट करने से क्या फायदे होते हैं, फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हमने यहां पर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन प्रोग्राम की शुरुआत भी करी 2011 के बीच में, जिसमें हमने मालदीव्स के टीचर्स को, वहां के यूथ को ट्रेन करा और टेक्नोलॉजिकली उनको और ज्यादा सुपीरियर बनाया कि अपने यहां पर एजुकेशन को वो बढ़ा सके। साथ ही साथ हमने क्या करा, हमने मालदीव्स के अंदर नेशनल पुलिस अकेडमी का कंस्ट्रक्शन भी करा और वहां की पुलिस को भी हमने ट्रेन करा, उसमें लगभग हमारे 100-200 करोड़ रुपए लगे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं तो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है पहले ये समझो, बेसिकली जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देता है, मदद करता है, तो दो तरीके के लोन दिए जाते हैं, एक होता है हार्ड लोन और दूसरा होता है सॉफ्ट लोन। तो जो हार्ड लोन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, वहीं जब हम सॉफ्ट लोन की बात करते हैं तो सॉफ्ट लोन को लाइन ऑफ क्रेडिट भी बोला जाता है, जो कि हमने मालदीव्स को दिया, श्रीलंका को दिया, भूटान को दिया। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि इंडिया क्या करेगा, मालदीव्स को कुछ पैसा देगा और जो पैसा वो देगा इंडिया वो बहुत ही मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा, 1% या 0.5% ऐसे ही, इससे ऊपर नहीं, 1.5% पे ही हम उनको लोन देते हैं और 10 साल के लिए या जो भी हिसाब किताब होता है उस पीरियड के लिए देते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें क्या फायदा, अगर हम कई हजारों करोड़ रुपए इन्हें दे रहे हैं और बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बहुत ही कम मिल रहा है तो उसका फायदा क्या। लाइन ऑफ क्रेडिट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या लाइन ऑफ क्रेडिट में, ये LOC का मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसमें मान लो अगर हम मालदीव्स की मदद कर रहे हैं, हमने मालदीव्स को सपोज करके चलो 1,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो हम यहां पर मालदीव्स को क्या कह सकते हैं कि ये जो आपके यहां पर सड़क बनानी है या हॉस्पिटल बनाने हैं या यहां पर आप जो भी टेक्नोलॉजिकली कुछ भी काम कर रहे हो जिसके लिए हमने आपको पैसा दिया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें इंडिया के कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकते हो, यानी कि इंडिया की कुछ कंपनी से सामान खरीदोगे, एक तरीके से हम उनके ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन भी लगा सकते हैं। मान लो अगर इंडिया यहां पर कोई पोर्ट डेवलप करना चाहता है मालदीव्स में और इंडिया कहता है कि हम तुम्हें 1,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो इंडिया की मर्जी है चाहे वो इंडियन पोर्ट अथॉरिटीज जाके डेवलप करें या अडानी पोर्ट करें, तो ये हम उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं, ये एक अच्छी बात होती है लाइन ऑफ क्रेडिट में, ठीक है।
तो इंडिया ने वहां की डिफेंस फोर्सेस को और उनकी मैरिटाइम सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो वहां की कोस्ट गार्ड एजेंसीज हैं उनको और ज्यादा बेहतर करने के लिए, हमने क्या करा उनके साथ यहां पर कि उनको डिफेंस के लिए भी पैसा दिया कि वो अपने यहां पर चीजें बढ़िया कर सके। इसके अलावा हमने यहां पर काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और भी चलाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर कर सके। साथ ही साथ जब आप यहां पर देखते हैं तो अभी एक बहुत ही बढ़िया रिसेंट न्यूज बताता हूं क्या हुई। रिसेंट न्यूज यहां पर यह है कि इंडिया पीप्स चाइना इंक्स डील टू डेवलप सपोर्ट मेंटेन हार्बर एट नेवल बेस इन मालदीव्स। मालदीव्स के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, यूटीएफ नेवल बेस तैयार करने जा रहे हैं। क्या है ये यूटीएफ एग्रीमेंट? यूटीएफ नेवल बेस की जब हम यहां पर बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो इसकी यूटीएफ की फुल फॉर्म है वो देख लो। यूटीएफ की फुल फॉर्म है उथुरु थिला फई, अजीब सा नाम है थोड़ा सा ये, बट फिर भी समझ लो। उथुरु थिला फही, ये बेसिकली क्या है इसकी फुल फॉर्म है। तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, उथुरु थिला फेहू करके जो है नेवल बेस तैयार करने जा रहे हैं। यहां पर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो बेसिकली इनकी कोस्ट गार्ड एजेंसी है उसको हम कहीं ना कहीं यहां पर सपोर्ट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं हम यहां पर मदद देंगे। तो इंडिया यहां पर जो कोस्ट गार्ड है उनको यहां पर कहीं ना कहीं मदद करने जा रहा है और एक नेवल बेस उनकी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के बनाने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इस नेवल बेस के ऊपर कब्जा करने के लिए पिछले कई साल से जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है, बट अंडर द प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली इनके टाइम पीरियड पर इंडिया ने फाइनली जाकर के यहां पर जो है ये डील वगैरह कर ली है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग दो काफी लंबे समय तक चाइना जो है अड़ंगे लगाता रहा इसमें, बट रिसेंटली हमने ये यूटीएफ नेवल बेस को लेकर के काम कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उथुरु थिला फेहू नेवल बेस हम तैयार करेंगे, वहां की कोस्ट गार्ड एजेंसी को हमारी इंडियन नेवी मदद करेगी, हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो जब इब्राहिम मोहम्मद सोली वहां के राष्ट्रपति बने, जैसे ही वो इंडिया आए 2018 में, हमने फटाफट से क्या करा, हमने इंडिया ने कहा कि आप टेंशन ना लो, श्रीलंका की और चाइना की तरफ मत जाओ, इंडिया तुम्हें 1.4 बिलियन डॉलर्स की मदद करेगा, और ये मदद करेगा इंडिया क्रेडिट लाइन पे ताकि तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सको। इन्हीं सब चीजों के अंडर हम क्या कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों के अंडर दोनों देशों के बीच में बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है जीएमसीडी। जीएमसीडी एग्रीमेंट यहां पर दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। इस जीएमसीडी एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली क्या है कि हम यहां पर दो पोर्ट्स जो है डेवलप करने जा रहे हैं, गुनुफेलू पोर्ट और थिला फेरू पोर्ट, ये दो पोर्ट्स जो है हम यहां पर डेवलप करने जा रहे हैं। 500 मिलियन डॉलर्स जो है इंडिया इसमें उनकी मदद करने जा रहा है। तो इस तरीके से इंडिया ने काफी ज्यादा मदद उनकी करी है। तो आपको ये जीएनसीडी एग्रीमेंट भी पता होना चाहिए। जीएनसीडी एग्रीमेंट में क्या होगा, जीएनसीडी एग्रीमेंट में ये होगा कि जो ये माले है, माले, इसको बेसिकली दो आइलैंड से कनेक्ट करा जाएगा, ठीक है, पुल बना करके और बाकी चीजें करके। तो ये जो बेसिकली पहला आइलैंड है ये क्या है, ये एक तरीके का यहां पर आप कह सकते हैं माले को गुलीफलू जो है, गुलीफलू इसका नाम है, गुलीफलू पोर्ट इसका नाम है, गुलीफलू आइलैंड से इसको जोड़ेगा, ये एक तरीके का पोर्ट है। तो ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी को माले से जोड़ेंगे हम। साथ ही साथ हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो दूसरा आइलैंड है ये इसका नाम है थिला फुली या थिला फुशी, इंडस्ट्रियल एरिया है ये मालदीव्स का। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पोर्ट को और साथ ही साथ यहां पर एक इंडस्ट्रियल जोन को माले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हमने मालदीव्स को कितनी मदद दी है, 500 मिलियन डॉलर्स की हमने इनको मदद दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, और इसका नाम क्या है, जीएनसीडी एग्रीमेंट इसका नाम है। ठीक है, ये सब चीजें तो हो गई डेवलपमेंट की, बाकी आपको ये उथुरु थिला फलू नेवल बेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखें तो काफी सारी मल्टीलैटरल बॉडीज पर भी हम काम करते हैं, जैसे कि सार्क के हम दोनों मेंबर हैं। साथ ही साथ रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आपने देखा ही कैसे हमने मालदीव्स की सपोर्ट करा और मालदीव्स को उसका प्रेसिडेंट बनाया। तो ये सब चीजें यहां पर हो जाती हैं दोनों देशों के कॉपरेशन के अंदर। हाँ, इसके अलावा एक पॉइंट और है कि हमने इनको ध्रुव, जो हमारा लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, वो भी हमने इनको दिया था ताकि यहां पर कोस्ट गार्ड एजेंसीज मिलकर के काम कर सके। उसमें क्या था कि इंडिया जो है उनको सिखाएगा, वहां के लोगों को सिखाएगा, और इंडिया के कोस्ट गार्ड के कुछ ऑफिसर्स वहां पर रहने थे।
परमानेंटली। तो ये कुछ था उसके अंदर, ठीक है, जो कि 2015-16 के आसपास वो खाम खराब भी हुआ था कि मोहम्मद जो ये अब्दुल यामीन थे, इन्होंने काफी अड़ंगे भी लगाए उस मामले में। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी था ये है, ठीक है। तो ये था गाइज आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ समझा दिया इंडिया मालदीव रिलेशन को। सेशन से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मालदीव्स। पहला क्या, क्या मालदीव्स एक सेक्युलर कंट्री है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा, क्या मालदीव्स सार्क का मेंबर है, दूसरा ये। तीसरा ऑप्शन, मालदीव्स को इंडिपेंडेंस 1950 में मिला था। और चौथा ऑप्शन है, इंडिया एंड मालदीव्स कंडक्ट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री शक्ति। अब ये देखिए, आप आई होप आप लोग ये आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सही आंसर यहां पर है बी, दैट इज मालदीव्स इज अ मेंबर ऑफ सार्क। जैसा कि मैंने आपको सेशन में बताया, मालदीव्स क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वो सेक्युलर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। मैंने आपको बताया कि 1965 में, 1965 में मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली, ना कि 1950 में। और जो मित्र शक्ति है, ये हम श्रीलंका के साथ करते हैं, ना कि मालदीव्स के साथ। मालदीव्स के साथ हम करते हैं एक वोरेन, ये अजीब सा जो नाम है इसका, एक वोरेन, ठीक है, इस कर का जो, अरे गलत हो गया, मैं लिख देता हूं दोबारा, एक वो रेन, ये इसका नाम है, ठीक है। इस तरह के एक एक्सरसाइज है जो हम मालदीव्स का करते हैं, बट हाँ, वी आर द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क में मालदीव्स हमारा मेंबर है, एंड इट वॉज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही गाइस, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के सेशन में हमने डिटेल के साथ इंडिया मालदीव्स रिलेशंस को समझा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ताकि हमारी टीम तक आपका फीडबैक पहुंच सके। अगर हमारी टीम तक आपका फीडबैक पहुंचेगा, तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे सीरीज को। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, कमेंट्स नहीं आएंगे, हमारी टीम तक आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते रहें सपोर्ट करने में हमें। कमेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ उन कमेंट्स को देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है दोनों देशों के बीच में। अब यहाँ पर कमेंट्स हैं, स्वाति का कमेंट है पहले, अच्छा अमित का कमेंट है पहले। अमित कह रहे हैं, मालदीव्स में इंडिया के खिलाफ क्यों मूवमेंट चल रहा है अभी सर। बिल्कुल उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो एक पॉइंट हमारा रह गया, वेरी गुड अमित, आपने वो हाईलाइट करा। आज की डेट में क्या हो रहा है, इंडिया आउट करके एक मूवमेंट चलाया जा रहा है मालदीव्स के अंदर। ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, इसके अंदर क्या करा जा रहा है कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, उनके खिलाफ वहां के सोशल मीडिया पे फेक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें फेक प्रोपोगेंडा के अलावा, वहां पर हमारे डिप्लोमेट्स को धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसका विरोध इंडिया ने करा। इंडिया ने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को वायलेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करिए करा क्यों जा रहा है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं वहां का रेडिकल अपोजिशन जो कि कट्टरवाद फैला रहा है वो, साथ ही साथ चाइना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 से हमारे मालदीव्स के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो अब चाइना कैसे बर्दाश्त करेगा ये चीज, या वहां का जो एंटी इंडिया अपोजिशन है वो कैसे बर्दाश्त करेगा। तो वो लोग इस तरह के का काम कर रहे हैं, समझ गए, ये है पूरी बात यहां पर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। मैंने आप लोगों से पूछा था कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है। स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, बायलेटरल रिलेशन विल एनहेंस एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विच हेल्प इन बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहला बात तो ये आ गई, चलो बहुत अच्छी बात। शीला का यहाँ पर कमेंट है, शीला कह रही है कि एजुकेशन लीड्स टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इट ऑल्सो बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। बिल्कुल ठीक बात। अमित का यहाँ पर कमेंट है, अगर हम फॉरन में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम उस कंट्री के गुड इमोशन पाते हैं, कल्चरल इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। वेरी गुड अमित, कहीं ना कहीं यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के खिलाफ फेक प्रोपोगेंडा वहां पर चलाया जा रहा है, क्या कि मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के साथ गलत कर रही है, उन्हें मार रही है, एक्स वाई जेड फेक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। अब ऐसे में मालदीव्स से कोई इंडिया पढ़ने आया, ठीक है, या कोई इंडियन टीचर मालदीव्स गया वहां पे पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा जब मालदीव से स्टूडेंट इंडिया आएंगे, आकर के देखेंगे कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, इंडिया में तो मुस्लिम्स को काफी रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये फेक प्रोपोगेंडा बर्स्ट होता है। तो इस तरीके से एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी में आपको एक एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल है कश्मीर का। कश्मीर की जब हम बात करते हैं
तो कश्मीर में क्या करा जाता है, मुजाहिदीन को भेजा जाता है जिनको जिहादी भी बोला जाता है। अब ये जिहादियों को तैयार कैसे करता है पाकिस्तान? इन जिहादियों को पाकिस्तान कहता है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कौम के, हमारे हमारे धर्म के लोगों के ऊपर इंडिया क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो वो इस बात पर जिहादी को तैयार करता है कि तुम्हें जाकर के इंडिया में हिंदूज को मारना है, इंडिया में जाकर के तुम्हें जिहाद फैलाना है और वहां पर जाकर के मिलिट्री को मारना है, सत्ता को, मतलब सत्ता को परेशान करना है। ये सब बात उन्हें कहते हैं। अब जब ये जिहादी इंडिया आता है और ये कश्मीर आता है, कश्मीर आकर के जब ये देखता है कि कश्मीर में तो बहुत बड़े लेवल पर रिलीजियस फ्रीडम दी गई है मुस्लिम्स को, जगह जगह पर आपको मॉस्क देखने को मिलेगी, मॉस्क में अजान हो रही है, तो ये बेचारा क्या हो जाता है, इसकी आंखें खुल जाती हैं कि हमें तो किस तरह के प्रोपेगेंडा पे चलाया जा रहा था। तो क्या होता है, कुछ जिहादी तो मजबूरन, अब कुछ ऑप्शन होता नहीं है, वापस जा नहीं सकते, तो फिर वही अपना मिशन करते हैं, कुछ क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं यही देख के। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा, आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक जिहादी को हमारे मेजर साहब, आर्मी के मेजर, सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे। तो वो यही रीजन है। तो फेक प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करने के लिए एजुकेशन, कल्चर कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये था यहां पर पूरा। ओके, कमेंट्स हैं और कुछ, उनको भी देख लेते हैं। स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, ऑल्सो मालदीव फ्रॉम SIDS एंड मालदीव हैज अपॉर्चुनिटी टू रेज मैटर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल रेज। बिल्कुल, वो तो खैर क्लाइमेट के मामले में अलग मामले हो गए, वो भी एक पॉइंट है। बिकॉज अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो अगर आप मालदीव को समझें, मालदीव के अंदर जो बेसिकली एक तरह के से ग्राउंड वाटर है, यानी कि मालदीव अगर जब भी ओशन लेवल रेज होगा तो मालदीव सबसे पहले डूबेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ 1.5 मीटर ही है, मतलब बहुत ही करीबी है पानी वहां पर, तो सबमर्ज होने की उम्मीद ज्यादा है। अमित का यहाँ पर कमेंट है, हमने यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए पड़ोसी कंट्री में ताकि यंग माइंड्स इंडिया के लिए अच्छा सोचे। करते हैं हम, बिल्कुल कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, एजुकेशन की, तो बहुत बड़े लेवल पर हम मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में हमने स्कूल खोले, हमने भूटान में स्कूल खोले, नेपाल में मदद करी, हमने म्यांमार में मदद करी, श्रीलंका में मदद करी, ऐसा नहीं है, वी डू दैट। शीला देवी का यहाँ पर कमेंट है, सर अगर हम रिलीजन को छोड़कर ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें तो डिस्प्यूट नहीं होंगे? बिल्कुल जी। तो देखिए, मेन चीज क्या है, रिलीजन इज द टूल फॉर द रूलर्स। जो रिलीजन है वो रूलर्स के लिए टूल है, मतलब जो लोग हुकूमत करते हैं उनके लिए टूल है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या देखते हैं हम, फ्रांस ने बहुत बड़े लेवल पर क्रिश्चियनिटी के नाम पर कत्लेआम मचाया। क्यों? क्योंकि उसे चर्च का सपोर्ट था। लुई फोर्टीन के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि फ्रांस वॉज द कंट्री जो जा रहा है जाके स्पेन को मार रहा है, यूनाइटेड किंगडम से जाके पंगा ले रहा है, इंग्लैंड से मतलब। तो उस टाइम पर जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस वॉज अंडर द चर्च और उसको सपोर्ट था चर्च का। वहीं जब आप उससे पहले चले जाए पीछे तो हम क्या देखते हैं कि इस्लाम के बीच में और क्रिश्चियनिटी के बीच में हमें क्या देखने को मिले, क्रूसेड वॉर्स देखने को मिले। किस नाम पर हुए? धर्म के नाम पर। बट उनका रियल मोटिव क्या था? एक्सपेंशन करना। या अगर आप मोहम्मद गौरी या और उनको सबको, चंगेज खान, मंगोल्स को देखें, इनका क्या काम था? गजनी का काम क्या था? लूटपाट मचाना, पैसा लूटना। बट नाम क्या दिया? जिहाद, रिलीजन से जोड़ दिया। तो रिलीजन इज द टूल फॉर द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। ओके, कमेंट है यहाँ पर एक और कि सर कुछ नहीं होता ऐसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू से हूं पर कश्मीरी को भी बहुत टॉर्चर किया जाता है, वो बताते हैं कि उनको क्लियर फ्रस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के लिए। देखिए, वो चीज अलग है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें, दैट इज अ डिफरेंट इशू कि क्या करा जाता है, कैसे किया जाता है, दैट आई कैन, दैट इज टोटली डिफरेंट। बट जिस लेवल पर उनको भेजा जाता है इंडिया कि इंडिया में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहू बेटियों के साथ गलत हो रहा है, तो आप बताइए क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। माइनॉरिटीज को तो इंडिया में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रमोट ह्यूमैनिटी, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। चलिए, आज के सेशन को इसी नोट पर एंड करते हैं। तो आप प्लीज अपने आस पड़ोस में, अपने नेबर्स के साथ, अपने देश में हार्मनी को प्रमोट करें, ब्रदरहुड को प्रमोट करें, शांति को प्रमोट करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा नाम था गौतम लखानी और आज के सेशन में हमने इंडिया मालदीव रिलेशंस को डिस्कस करा। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।